अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समद है। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस तरह की कोई एक पोस्ट बनाई थी। इसके अंदर अब हम लोग इमेजेस वगैरह को ऐड करेंगे और फीचर इमेजेस वगैरह को ऐड करके फाइनलाइज़ करके दूसरी पोस्ट जो है मैं 2-3 पोस्ट आपके लिए पहले से बना के रखूँगा, ताकि आपको वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल दिखाई दे और आपको ये समझ में आ जाए कि वेबसाइट को किस तरह से हैंडल करना है। अच्छा, मैं ऐड मीडिया पर क्लिक करता हूँ और होता है जैसे बिल्फर्स, ये है इसका टाइटल है। इसका टाइटल आप हमेशा सही रखेंगे, आपको एसईओ वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कैप्शन अगर आपको देना है तो दे दें। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में दे देता हूँ वर्डप्रेस, इससे आप काफ़ी फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन आपको देनी है तो आप दें, नहीं देनी तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इंसर्ट इनटू पोस्ट, जैसे मैंने पोस्ट पर क्लिक किया तो आपकी चीज़ बनी हुई। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ ताकि ये आपको इजी हो, या तो आप इसको राइट कर दें तो भी सही रहेगा, या सेंटर में रखेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा कि ऊपर और नीचे टेक्स्ट होगा, बाकी कहीं पे टेक्स्ट नहीं होगा। मैं इसको लेफ्ट पे रखता हूँ, अपडेट करता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ से सीएमएस देखा था, अब मैं इस सीएमएस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारी आ गई, तो आप देखेंगे ये इमेज आ गया आपकी यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब इमेज और फीचर इमेज में क्या फ़र्क है, बेसिकली हमें ये देखना था। इमेज तो आपकी सिंपल सी है, बिल्कुल मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ। फीचर इमेज का ये फ़ायदा है कि मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ऊपर इसकी ये इमेज है। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे सबसे ऊपर ये इमेज आएगी, यानी आपकी जहाँ पोस्ट शुरू होगी वहीं पे आएगी। हालांकि मैंने ये कहीं पे भी इसकी बॉडी के अंदर ये इमेज नहीं डाली, लेकिन फीचर इमेज का फायदा है कि सबसे ऊपर ये आएगी और अच्छे से आपको ये दिखाई देगी। आपकी मर्जी है, आप ये देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। पोस्ट आपकी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर एक ये वाला एरिया रहता है, ये मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। तो अभी हम लोग फिलहाल पेज की तरफ चलते हैं। पेजेस के अंदर भी कुछ नहीं है, आप ऐड न्यू पेज करें, आप अपने पेज का नाम डाल दें। अच्छा, इस पेजेस के लिए बनाया कुछ मटेरियल आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमारे पास कोई कस्टमर वगैरह क्लाइंट जो है वो हमें देता है। अब देखें, ये आपके पास एक रियल सिनेरियो टाइप की चीज़ मैंने बनाई है कि कॉन्टैक्ट अस का पेज है। उसके अंदर ये बोला है कि फर्स्ट नेम आना चाहिए, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेज आना चाहिए, फेसबुक का पेज यहाँ पे होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट इन्फो हमारी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, फेसबुक का पेज होना चाहिए हमारा, ट्विटर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए फॉर कैरियर वेब, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्टैक्ट अस के पेज में होनी चाहिए। सर्विसेज के अंदर इसने हमें बता दिया कि भाई ये आपका कॉन्टेंट है और ये आपका एक आपकी इमेज है। विजन स्टेटमेंट का अलग पेज, इस तरह से मिशन स्टेटमेंट, सर्विसेज का अलग पेज, ये सर्विसेज चल रही हैं, आवर क्लाइंट्स का अलग पेज, ऑनलाइन टीचिंग अलग। अब देखें यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग के अंदर बोला मेक अ फॉर्म, यानी ये फॉर्म बनाना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं डाल देना। तो रियल सिनेरियो के अंदर जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह से आपको वर्ड की फाइल या पीडीएफ की फाइल आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए और आप उनका काम जल्द अज जल्द और अच्छे अंदाज में करके दे दें। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो पेज है वो होम का पेज नहीं है, सबसे पहला पेज है सर्विसेज का। मैं सर्विसेज के पेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। सर्विसेज का मैंने नाम से पेज बना दिया। अब इसके अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन बता रहा है कि इंट्रोडक्शन ये है, हालाँकि ये सर्विसेज का पेज नहीं होगा, ये होम का ही पेज होगा, क्योंकि सर्विसेज का पेज आपका यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसको होम कर देता हूँ। छोटी सी गलती हो जाती है कभी कभी क्लाइंट से, तो इसमें क्लाइंट को बोलने का नहीं होता, आप खुद थोड़े से समझदार हैं तो इससे आप ये काम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो ये है कि मैं जैसे ही यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ तो जैसा वहाँ पर था ये वैसा ही आ गया हमें। आप देखें जैसा यहाँ पर था वो वैसा ही यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, तो आप यहाँ पे रखें पेस्ट एज टेक्स्ट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो कॉन्टेंट आएगा ना वो आपका ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ आपका कंटेंट ही आएगा, बाकी कुछ भी इसमें नहीं होगा। सेव कर देते हैं, आप पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। आप देखें सिंपल, जैसा हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर नॉर्मली आना चाहिए वैसा ही आया। अब मैं इसको खुद स्टाइलिंग दे सकता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हेडिंग 3, और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, सेंटर कलर चेंज कर देता हूँ, थीम इंट्रोडक्शन, और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने सारी चीज़ें खुद कर दी। अब देखें जहाँ भी द लेक्चर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसको मैं ग्रीन कर दूँ द लेक्चर्स, और उसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दूँ ताकि और क्लाइंट थोड़ा सा खूबसूरत है। कंट्रोल भी इसका शॉर्टकट है, बस एक ही जगह पे आ गया तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद एक इंटर की हो जाए, इसके बाद एक इंटर पहले से दिया हुआ है।
अच्छा, अब इसमें और क्या दिया हुआ है हमें, एक ये इमेज दी, इस इमेज को सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक सेव एज पिक्चर, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ऐड मीडिया, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, ये हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कर चुके थे। होम पे क्लिक किया, ओपन, आपकी फाइल आ गई, इसको मैं कर देता हूँ होम लेक्चर लेक्चर। मैं चाहता हूँ कि ये सबसे ऊपर है, अब सबसे ऊपर तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लगाने से अच्छा है कि मैं इसको भी फीचर इमेज दे दूँ, फीचर इमेज से ये फ़ायदा होगा वो खुद ब खुद पेज के ऊपर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पब्लिश करते हैं, प्रीव्यू करके देखते हैं, आप देखेंगे आपका पेज काफ़ी हद तक तैयार है। अब आप ये बोल लोगे यार ये तो बहुत सिंपल सा पेज है, ऐसे पेजेस तो बनाना बहुत आसान है HTML के अंदर, उसे करना तो अभी आपका स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह जो वर्डप्रेस के अंदर थोड़ा थोड़ा हम लोग आपको करवाएंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी वेबसाइट और बहुत आला किस्म की वेबसाइट आप बना सकते हैं, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर आप ये देखें वही प्रीव्यू चेंजेस, सेव एज ड्राफ्ट वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, किस दिन आपने किया ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है, ये आप देखें कस्टम फील्ड्स, डिस्कशंस, कमेंट्स, सिलेक्ट्स, ऑथर्स, ये सारी चीज़ें आपको नीचे जो चीज़ पे आपने टिक लगाया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होंगी, ठीक है। अलाउ कमेंट्स, पेजेस पे कभी कमेंट्स नहीं होते इसलिए हम लोग इसको भी अलाउ कमेंट्स नहीं करते, और ये ऑथर कौन है, इसका यानी बनाने वाला, ये पेज किसने बनाया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती है। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, जैसा था वैसा, टू कॉलम्स का मतलब वन कॉलम मतलब ये ऐसा हो जाएगा, टू कॉलम मतलब ये ऐसा हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी, आप इसको किस तरह से भी रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस पे के इन जो चीज़ें हमारी रह गई थी उनको देख लेते हैं, और विजुअल और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है उसको देख लेते हैं। बिल फर्स्ट मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ही द लेक्चर पे क्लिक हो तो वो हमारे फेसबुक पेज पे चला जाए, वो हमारे फेसबुक पेज पे चला जाए, एक दफ़ा चेक करना ज़रूरी है कि ताकि गलती ना हो। बिल्कुल हमारा यही फेसबुक का पेज है, तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही द लेक्चर पे क्लिक हो तो वो वहाँ चले जाए। मैं इस पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट एंड एडिट लिंक, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या अपना पेस्ट URL, मैंने हाँ बोल दिया भाई ये URL है। अगर बिलफर्ज़ आप यहाँ पे वो लिंक देना चाहते हैं जो आपका कोई पेज या कोई पोस्ट बना हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बात, ये हमने एक पोस्ट बनाई थी और ये हमारा एक पेज है, ये दो चीज़ें पहले से वर्डप्रेस हमें बना कर देता है, इस पर हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम की नहीं, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद देखें लिंक बना के इसने दे दिया, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा कि द लेक्चर्स को सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर अपना पाथ दे दूँगा जो मुझे देना, और मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दूँगा, तो आप देखेंगे खुद ब खुद ये एक लिंक बन जाएगा। अब देखें मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारे फेसबुक पेज पे हमें ले जाएगा, ठीक है, हमारा फेसबुक पेज ओपन हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारा फेसबुक पेज को ओपन करे, तो आप इसके एडिट पे क्लिक करें, सेटिंग पे जाएं, ओपन इन अ न्यू टैब कर दें इसको, अब देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर इसने हमें ओपन करके दे दिया, सही है यूज़र्स। इसके अंदर आप जितने भी पेजेस बनाना चाहें इस तरह से पेजेस बना सकते हैं, मीडिया को एडिट कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल आप यहाँ से लिंक हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और ये लिखा रिमूव लिंक, ये आपका लिंक रिमूव हो जाएगा, लेकिन मैं अभी लिंक को रखना चाहता हूँ इसलिए ताकि मैंने आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बतानी है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे बिलफर्स में इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है, या आपके पास कोई कोई और चीज़ इसके आप कॉपीराइट वगैरह की चीज़ें देना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो हम लोग नॉर्मली HTML के अंदर स्पेशल कैरेक्टर के नाम से मौजूद होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर को भी ऐसे ही लिखा जाता है, और स्पेशल कैरेक्टर को HTML के अंदर एंड के साइन के साथ लिखा जाता है, एंड ANDE एंड का जो साइन होता है उसके साथ लिखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक विजुअल है और यहाँ पे एक टेक्स्ट है,
विजुअल में ये होता है कि आप डिज़ाइनिंग साइट पे होते हैं, यानी आप यहाँ पे जो काम करेंगे वो खुद ब खुद उसका कोड जनरेट होता जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ऐसी भी होती हैं कि यहाँ पे उसकी चीज़ मौजूद नहीं होती, या उसका कोड लिखना यहाँ से कोड यहाँ से संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और स्क्रीन ऑप्शन में आके इसको वन कॉलम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में और आसानी हो जाए। आप यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें H3 इसने खुद दे दिया, मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं दी थी। स्टाइल इसने सारा खुद दे दिया, स्पैन स्ट्रॉन्ग EM ये सारी चीज़ इसने खुद ही दे दी है, मैंने कहीं भी आप देखेंगे मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कुछ आपके HTML के टैग्स आ गए, अब HTML के टैग्स भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर बिल्कुल आपने कोई अपनी HTML की फाइल बना ली है, उसके अंदर CSS वगैरह इनलाइन या इंटरनल वगैरह कर लिए, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि CSS भी आप यहाँ पे लगा दें, HTML भी यहीं पर लगा दें, सब चीज़ें यहीं पर लगा दें। नहीं, आप HTML यहाँ पर लगाएं, CSS कहाँ पर लगती है वो जब हम लोग कस्टम CSS पे जाएंगे तो मैं आपको उस वक्त ये चीज़ बता दूंगा कि इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपकी जो वेबसाइट होगी वो स्टैटिक टाइप की रहेगी, डायनेमिक टाइप की नहीं रहेगी अगर आप ऐसा काम करते हो। मैं वापस अपने स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में ज़्यादा आसानी हो जाए। टू कॉलम्स कर लेते हैं, जो हमारी स्क्रीन थी मैंने वैसे ही कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे, और इससे पहले पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ पेजेस वगैरह और कुछ पोस्ट वगैरह बना के रखूँगा ताकि हम लोग जब मेन्यूज़ वगैरह बनाएं तो हमें उसको देखने में ज़्यादा आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।